कोरोना संकट में लोगों की मदद करने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक नई स्कीम की शुरुआत की है। नई योजना के तहत कूड़ा जमा करने के बदले लोगों को मुफ्त राशन और अन्य जरूरी चीजें दी जाएंगी। इस नए इनिशिएटिव के तहत इलाके को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया जा सकेगा और कूड़ा बीनने वाले लोगों को इसे हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। आइए आपको बताते हैं इस स्कीम के बारे में सब कुछ। रिपोर्ट के मुताबिक एसडीएमसी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने पिछले सप्ताह टैगोर गार्डन में सेव अ प्लैनेट सेंटर का उद्घाटन किया है। यहाँ प्लास्टिक आइटम और गीले कचरे को जरूरत के सामान जैसे साबुन, दाल, चावल आदि से बदला जाएगा। आने वाले कुछ हफ्तों में इस सेंटर पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। राशन की मात्रा कूड़े की मात्रा पर निर्भर होगी। बता दें कि 5 किलो प्लास्टिक के बदले 2 किलो चावल दिए जाएंगे, जबकि 2 किलो प्लास्टिक वेस्ट के बदले सरसों का तेल या 12 लीटर की क्षमता का डस्टबिन दिया जाएगा। इसके अलावा 1 किलो गीले कूड़े के बदले 0.5 किलो प्राकृतिक खाद और 25 किलो कूड़े के बदले डिटर्जेंट का पैकेट दिया जाएगा। इस योजना के तहत नवंबर तक मिलेगा राशन। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। लॉकडाउन की दिक्कतों और कोरोना में गिरती आमदनी के कारण केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दे रही है। इस योजना के तहत नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।